27 अप्रैल से शुरू होने वाला लियारी ऑपरेशन पुलिस के गले में हड्डी बनता जा रहा है। कराची पुलिस रवायती हथियारों के साथ तंग गलियों में मौजूद जदीद असलहे से लेस मोर्चा बंद अफराद से मुकाबला कर रही है। चीनी साख्ता AK-47 कराची पुलिस की सर्विस राइफल है। AK-47 का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली असाल्ट राइफलों में होता है। 2.5 किलो वजनी ये राइफल 600 मीटर दूरी तक हदफ को बआसानी निशाना बना सकती है। निस्बतन ऊंचे मुकामात पर मोर्चा जन अफराद को निशाना बनाने के लिए कराची पुलिस के जवान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाली बोल्ट एक्शन दूर मार राइफल स्टेयर GSS-69 इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है। लियारी ऑपरेशन में मसरूफ अमल पुलिस के जवान पाकिस्तान आर्मी की सर्विस राइफल G3 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कारगर रेंज 1500 मीटर है। बात की जाए लियारी में मुसल्ला अफराद की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले असलहे की, तो मुसल्ला अफराद कलेशनकोफ की जदीद तरीन किस्म AKU-74 से लेस हैं, जो सिर्फ 2 किलो वजनी है। ये राइफल छापामार कार्रवाई के लिए डिज़ाइन की गई और इसकी कारगर रेंज 700 मीटर है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुसल्ला अफराद अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल M16 राइफल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 1 मिनट में 80 गोलियां दाग कर 800 मीटर की दूरी पर मौजूद हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा ये मुसल्ला अफराद एंटी मटेरियल कहलाई जाने वाली स्टील की बनी हुई गोलियाँ दाग कर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तंग गलियों में मोर्चाबंद अफराद पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों को रोकने के लिए मशहूर ज़माना RPG-7 रॉकेट का भी बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं। कंधे पर रखकर इस्तेमाल किया जाने वाला ये रॉकेट टैंकों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने वाले हथियार के तौर पर जाना जाता है। इस रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड की कारगर मार 1100 मीटर है। इसके अलावा रूसी साख्ता ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर AGS-17 भी पुलिस की पेशकदमी को रोकने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस लॉन्चर से फेंका गया ग्रेनेड 600 मीटर की दूरी तक मौजूद हदफ को निशाना बना सकता है। आतिफ हुसैन, सच टीवी, कराची।